पार्षद और जल प्रदाय समिति के सभापति संदीप गवई के घर पर अज्ञात आरोपी ने सेंध लगाकर करीब 50 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर 90 किलोग्राम की तिजोरी सहित जेवरात भी ले भागे। इस घटना से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार सेमिनरी हिल्स की मालाबार कॉलोनी में गवई का बंगला है। गवई का परिवार प्रॉपर्टी और गारमेंट का व्यवसाय करता है। पिछले कुछ दिनों से उनके घर में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से मजदूरों का आना जाना लगा था। घर की देखभाल करने के लिए कुछ नौकर भी रखे हैं। 17 अक्टूबर को गवई अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए मुंबई गए थे। मजदूर और नौकर घर पर थे। रात में रखवाली के लिए उनकी साली भी घर पर सोने आती थी। शनिवार को गवई नागपुर लौटे। रविवार को उन्होंने लकड़ी की अलमारी खोली, उसके भीतर ही दीवार में तिजोरी लगाई गई थी। तिजोरी गायब देख गवई हक्के बक्के रह गए। उन्होंने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। तुरंत गवई ने पुलिस को जानकारी दी। गिट्टी खदान पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी विनीता साहू ने भी घटना का जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। फिरियादी हरीश रमेश गवई हे त्यांचे भाऊ वहिनी यांच्यासह दिनांक 17 ऑक्टोबर रोजी काही कामानिमित्त मुंबई येथे गेले होते। ते 22 तारखेला परत आले। त्यानंतर 24 तारखेला सकाळी त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्या बेडरूममध्ये जे तिजोरी ठेवली होती ती तिजोरी जागेवर नाही। त्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनला माहिती दिली। सदर तिजोरीमध्ये अंदाजे 32 लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने होते असे फिर्यादींनी त्यांच्या रिपोर्टमध्ये सांगितलेले आहे। सदर प्रकरणी पोस्टे गिट्टी खदान येथे घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। परिवार के सभी सदस्य मुंबई गए थे, लेकिन नौकरानी ड्राइवर और स्विमिंग पूल के काम के लिए आने वाले मजदूरों का ही आना जाना था। उनकी साली रात में घर में सोने आती थी, इसलिए संदेह है कि दिन के समय ही चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस के साथ गवई का भी मानना है कि किसी करीबी व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया है। यह एक इंसान के बस की बात नहीं है। चोरी करने वाले को घर की पूरी जानकारी थी। तिजोरी को छोड़कर किसी दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाया गया। अलमारी में कैश और अन्य मूल्यवान वस्तु भी पड़ी थी, लेकिन चोर ने किसी दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाया। इससे साफ है कि कोई जानता था कि तिजोरी में ही जेवरात रखे हैं। एक दिन तक तो किसी को चोरी की भनक भी नहीं लगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCA न्यूज़ नागपुर।